सुगम्य भारत मोबाइल एप्लीकेशन एक यूजर अनुकूल इंटरफेस के साथ विकसित किया गया है। ये मोबाइल ऐप दिव्यांग जनों को ध्यान में रखते हुए पूर्ण रूप से सुगम्य बनाया गया है। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य जनता के सामने आने वाली सुगम्यता संबंधित समस्याओं की क्राउड सोर्सिंग के लिए है। आरंभ करने के लिए इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें, फिर ड्रॉप डाउन सूची से अपनी पसंदीदा भाषा चुनें, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जन्म तिथि और अन्य मान्य विवरण दर्ज करें। एसएमएस के माध्यम से ओटीपी प्रमाणीकरण के बाद अपने उस यूजर नेम और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें जो आपको अपने पंजीकृत ईमेल आईडी पर प्राप्त होगा। साइन इन करने के बाद आपको होम पेज पर निम्नलिखित 5 सेक्शन के साथ निर्देशित किया जाएगा। सुगम्यता से संबंधित शिकायतें, COVID-19 मुद्दे, सकारात्मक फीडबैक, विभाग के अपडेट्स, दिशा निर्देश और परिपत्र। आप पृष्ठ के ऊपरी दाएं कोने पर उपलब्ध प्लस चिन्ह को टैप करके सुगम्यता अनुभाग से संबंधित शिकायतों में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायतें किसी भी क्षेत्र से संबंधित और निर्मित पर्यावरण, परिवहन और ICT पारिस्थितिकी तंत्र के संबंधित उपक्षेत्रों के संबंध में हो सकती हैं। शिकायत दर्ज करने के लिए यूजर को संबंधित क्षेत्र, उपक्षेत्र, बुनियादी ढांचे के नाम का चयन करना होगा और बुनियादी ढांचे की 5 तस्वीरें जमा करनी होंगी। COVID-19 से संबंधित समस्या के लिए होम पेज पर COVID-19 इश्यू सेक्शन का चयन करें और अब UDID नंबर या दिव्यांगता प्रमाण पत्र नंबर दर्ज करें। सभी पंजीकृत शिकायतों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संबंधित प्राधिकरण को भेज दिया जाएगा। अपनी शिकायत के बारे में स्थिति और अन्य जानकारी की जांच करने के लिए शिकायत नंबर पर टैप करें। आप विभाग के अपडेट में नया पोस्ट भी देख सकते हैं। दिशा निर्देश और परिपत्र अनुभाग दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा पोस्ट किए गए क्षेत्रवार दिशा निर्देशों को देखने की सुविधा प्रदान करता है। आइए भारत को सार्वभौमिक रूप से सुगम्य बनाने के लिए जन भागीदारी अभियान का हिस्सा बनें। सुगम्य भारत एप्लीकेशन, सुगम्य भारत अभियान, दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार द्वारा एक पहल। सुगम्य भारत, सशक्त भारत।